गाँव से 50 वोट मिलने करने का बीच इसमें से चंदन के अगर मुसलमान में होता ना खाली जीतता बिल्कुल पहले की तरह 27 वोट में जिता रहे काम ने पहला जान लगा रखी हमने अपना मौलाना लड़े दोनों वोट नहीं दिए इन्हें वोट दिए वोट दिया हमने टटवा अपने को नहीं दिया मौलाना को मौल साहब को नहीं दिया हाँ गलती हमारी थी अब पछता रहे और पछताना तो ही चंदन को ना देना जब ये फिर चंदन हो गया क्या हाँ बुरा हो गया जब फूल में चला बुरा हो गया समाज तो उठने लगा क्या तो देगा माया को अपने अन्य देगा सही गलू बस चंदन चौहान में नहीं सवाल ही नहीं बनता एक इस गांव में जाइए सिकंदरपुर आगा 8000 वोटों का अच्छा इसमें से 50 वोट भी काट ले डूब के मर जाएगा हम तो जयंत के दावे लगे वो छोड़ के भाग गया चंदन के दावे लगे वो छोड़ के भाग नमस्कार स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में मैं हूँ नितिन चौधरी 24 का चुनाव नजदीक है और आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम बहुल गाँव सिकंदरपुर के अंदर बिजनौर लोकसभा का इलाका है मुस्लिम समाज से बातचीत करेंगे लोकदल ने एकदम से पलटी मारते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है और जो विधायक थे यहाँ चंदन सिंह चौहान वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं बीजेपी और रालोद के क्या है इन लोगों के मन में तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं मुसलमानों के मन की बात क्या नाम है आपका नवाब अली क्या लग रहा है जी तो चंदन भी पलटी मार गए जी चंदन आदमी बढ़िया पर दल बदलवाद का मामला जो है वो खराब है सही किया गलत किया गलत क्या उन्होंने अब किधर रहेंगे मुस्लिम समाज का क्या लग रहा है जहाँ बड़े रहेंगे वहीं हम रहेंगे अभी क्या लग रहा है बस अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा गांव के बारे में जैसा गांव का बड़ा रहेगा ऐसे ही हम रहेंगे क्या उम्मीद है मुस्लिम समाज जो था विरोध में जो था वोट किया था जैसे जी जी चंदन को पहले जी जी रालोद को जी तो अब की बात जैसे भी बड़ों का राय हो गया ऐसे ही करेंगे बात लेकिन चंदन सिंह आदमी ठीक थे दल बदलों के जो उन्हें बदला है वो सही नहीं कहा उन्होंने और जो कांग्रेस का गठबंधन है चर्चा है कि अतुल प्रधान मैदान में हो सकते हैं जी 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 तो क्या चल रहा है मन में मन में तो अभी जो बड़े बताएंगे वो होगा बट अभी मन में तो कुछ नहीं चल रहा लोगों के अभी तो मन में जो बड़े बताएंगे वो होगा मतलब सही नहीं किया लेकिन नहीं सही नहीं किया जी सर क्या नाम है आपका मोहम्मद आसिफ आसिफ जी जी लोकदल ने तो पलटी मार ली गलत किया जी उन्होंने गलत किया जी चंदन सिंह चौहान मैदान में आ गए एक बार फिर अभी विधायक हैं आपके वो जी जी तो वोट मिलेगा चंदन को बीजेपी से लड़ रहे हैं बीजेपी रालोद से नहीं जी नहीं नहीं मिलेगा क्या लग रहा है जैसे पलटी मारी है जयंत ने एकदम से बीजेपी में चले गए हैं गलत करा उन्होंने उन्हें जाना नहीं चाहिए था हाँ पहले ही उन्हें दिया था हमने वोट अभी उन्हें देते लेकिन हम नहीं देने के अब नहीं देंगे नहीं। वो तो यूँ कह रहे हैं काफी वोट मिलेगा मुझे मुस्लिम समाज का मेरे संबंध है उनसे अब नहीं देने के कोई और नहीं मिलने का अपने बलबूते बने अपने बलबूते बने बने पब्लिक ने और दिया पब्लिक ने और दिया जब तो हमें ले बने पब्लिक सब मुझे है क्या वो तो मेरा चबूतरा जो पब्लिक से ना 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 पब्लिक से मालूम किया गया आपके घर में चार बेटे हैं और आप पिताजी हो जब आपने कोई मशवरा नहीं किया तो कल को उनकी क्या जिम्मेदारी कि आप जहाँ जाते हो जाओ जहाँ उनके जिम जाते हुए बच्चे जाएंगे इस बार उस पर बंदूक पे कंधे पे बंदूक खेल रहा हो जी भाई दूसरे कंधे पे खेल रहा शिकार वो तो उसका चबूतरा क्या करेगा उसमें दूसरे कंधे पे शिकार खेल रहा वो अब क्या पता आज भाजपा में कभी कहीं गए कभी कहीं इसमें क्या पता उसका निराश हो गए निराश है हाँ हाँ निराश है अगर वो रालोद से आते तो वोट देते छकवा देते अच्छा भाजपा के साथ जाने से नाराज हैं नाराज हैं जिस पार्टी में वे अब गए हैं अगर उस पार्टी में पहले चुनाव लड़े होते क्या मुसलमान उसके यहाँ के सपोर्ट करते बताओ सपोर्ट करते क्या भेज दिया गया उन्होंने आपका बिल्कुल और क्या है ये थका महसूस कर रहे हैं बिल्कुल है उस मोहते मुसलमान सपोर्ट करते क्या उनको नहीं करते वो तो यूं कह मेरे संबंध है तीन पीढ़ियों के अब उन्होंने वोट ले लिए राजनीति अलग चीज है संबंध अलग चीज होती है राजनीति अलग चीज होती है तो अब नहीं जाएंगे साथ नहीं नहीं जाएंगे नहीं संबंध अलग चीज है राजनीति अलग चीज है मुस्लिम वोट जा ही नहीं सकता उसमें सब मेरा चबूतरा सब अरे नहीं कहेगा मतलब अरे हमने जब बना गए हिम्मत करी गांव से 50 वोट मिलने करने का बीच इसमें से चंदन के अगर मुसलमान में होता ना खाली जीतता बिल्कुल पहले की तरह 27 वोट में जिता रहे काम ने पहला जान लगा रखी हमने अपना मौलाना लड़े दोनों वोट नहीं दिए इन्हें वोट दिए अच्छा आपने अपने प्रत्याशी हरा दिए थे मौलाना जमील हाँ जी तो गलती थी हमारी गलती हमने मौलाना जमील को जिताया था अपना विधायक तो होता कम से कम हमारा एक मुसलमान विधायक तो होता उसे हमने वोट दिया सारे 27 वोट जिताया हमारे वोट निकल ले 1100
और ये वहाँ पलटी मार दी उन्होंने, गलत बात है बिल्कुल ये इनकी। अच्छा मौलाना के निकले 1100 वहाँ कैसे लेते हैं अभी आपने अपनी राजनीति खत्म की है और का बिल्कुल बिल्कुल जी छकवा वोट दिया हमने डटवा अपने को नहीं दिया मौलाना को मौल साहब को नहीं दिया हां गलती हमारी थी अब पछता रहे हैं और पछताना तो ही देश हित में होने की वजह से उनको वोट दिया था उम्मीद थी कि ये विरोध में है हां बिल्कुल जैन जो सिंपल सी बात है बीजेपी जो है ना मतलब वो मतलब सही पार्टी नहीं है अगर देश हित की बात की जाए ऐसा लगता है बिल्कुल लगता है सिंपली सबको लगता है आप बताओ ऐसा है या नहीं है लेकिन क्या करें तो अब किधर जाएंगे क्या रास्ता बचा है अभी तो देखो मतलब पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन देखेगा बड़े अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या टक्कर लग रही है भाई हम ना देने का हम तो पहले देगा पछता के चंदन को नहीं देंगे नहीं अब नहीं देने का अगर अतुल आ गए सपा से अतुल प्रधान अतुल को दे देंगे अतुल को दे देंगे अतुल को दे देंगे इधर आओ सामने जी हां अतुल प्रधान को दे देगा चंदन चंदन को ना देंगे जब ये फिर बुरा हो गया क्या हां बुरा हो गया जब फोन में चला बुरा हो गया वो तो यूं कह रहे हैं मैं मेरी निजी पार्टी है लोकदल है मेरी तो भाई नो लोकदल नहीं भाई जो मिल गया मिले किसी दूसरा मुझे चंदन देना क्या मतलब धोखा दे दिया धोखा दे दिया हमने अपने को नहीं वोट दिया अच्छा अपनों को नहीं दिया वोट हाँ जमील मोल भी कौन दिया था भाई ये गलती हुई हाँ हमारे से गलती हुई हो उनके साथ जाना था आपको और जो चफेरा भाग रहा है इंगा 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 भाग रहा है उसको उसे तो देना भी चाहिए वो तो यूँ कह रहे हैं मैं काम कराऊंगा किसानों के हाँ मेरा काम तो अल्लाह कराऊंगा इसे बस का काम कराऊंगा कह रहे हैं मुस्लिम समाज मेरे पास आए तो मैं मदद करूंगा उनकी कोई मदद नहीं होगी जी मुस्लिम समाज तो वोट देने का क्या तो देगा माया को हमके अन्य देगा सही गलू चंदन चौहान में नहीं सवाल ही नहीं बनता एक इस गांव में जाइए सिकंदरपुर आगा 8000 वोटों का अच्छा इसमें से 50 वोट भी काट ले डूब के मर जाएंगे चंदन जी सवाल बड़ी बात बोल रहे हैं मतलब जो हम बता रहे हैं अरे पलटी उनने पलटी मारी हमने पलटी मार दी कैसी बात हो बड़े नहीं बात अच्छी बात भाई उनने पलटी मारी तो ये भी पलटी मार दे जयंत के जाने से पलटी मारने से खत्म काम मजा नहीं रहा मुसलमान देना ही नहीं वोट अरे क्या लड़ गया अभी जी हम तो जयंत के नारे लगे वो छोड़ के भाग गया चंदन के नारे लगे वो छोड़ के भाग गया अच्छा मतलब सब भाग रहे हैं भगदड़ मच गई है हाँ जी सही किया गलत किया गलत करा अब उम्मीद नहीं नजर आ रही है अब क्या उम्मीद होती चंदन की तरफ कुछ नहीं है यहाँ पे ना जी हमारा अंदाजा लगने का किधर जाएंगे मुसलमान अब मुसलमान पार्टी में ये लोकदल को वोट नहीं देने के लोकदल से भी खत्म हो गए बिल्कुल खत्म गलत किया बहन जी के साथ जाएंगे अब क्या अब क्या बहन जी का अच्छा लोकदल को फायदा होगा नुकसान होगा इस निर्णय का नुकसान ही होगा और फायदा क्या होगा ये मुस्लिम ने तो सीट दी थी बीजेपी खत्म पार्टी को जी लोकदल को तो बीजेपी खत्म कर देगी बिल्कुल बीजेपी का तो मामला ये है छोटे छोटे दलों को इन्हें खत्म करना वो तो मंत्री बन गए उनके अनिल कुमार एक बना दिया तो लालच में तो मार खाया जब भी मछली पर कांटे जो खाई वो लालच में आई अच्छा कांटा डाल दिया है कांटा पकड़ गए बस बस लालच में मार खाए लालच में मार खाई जब भी खाए बस अच्छा जी सर बोल क्या भाई क्या बोल रहे हैं मैं ये पूछ रहे हैं अरे क्या बोल रहे हैं चंदन चौहान ने कम तो बिके वाए हमें जी कम बिके वाए हमें नहीं जरूरत हमें जरूरत नहीं अच्छा जी जी अब बात सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं आपकी बात है ना मतलब बोल रहे हैं मतलब मीडिया भी जो है ना कुछ मतलब सही नहीं दिखाते हैं ना भाई अभी कैंडिडेट इनका उतरा नहीं जब कैंडिडेट उतरेगा ना उसे वोट देंगे अगर यो क्या नाम हो मायावती से अगर यो आवेगा ना अतुल प्रधान तो इसे ही वोट देंगे सब मुसलमान अगर गठबंधन में अतुल आ गए हाँ अगर मायावती की तरफ से कोई मुस्लिम आ गए तो एक का ही तो पर्चा होगा जब गठबंधन अगर इनका होगा मायावती अकेले लड़ने का नहीं मेरी सुनो हम तो देवेगी अपने बहन जी को वोट बहन जी को देंगे भाई अबे बहन जी से उम्मीद लग रही है उम्मीद कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं मुस्लिम प्लस चमार सच्ची बात है असली बात ये असली बात है जो टक्कर दे सकती है वो बहन जी बिल्कुल बहन जी को देंगे अपनी कसम झूठ नहीं बोल रहे अच्छा पूरा ओवैसी भी आगे पतंग उड़ाने अरे पतंग तो उड़ती रहे ना पतंग को कौन देगा आया कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो अपनी पार्टी अरे नू तो दुनिया में पतंग नहीं उड़ेगी बहन जी चलेगी तुम याद रखियो मेरी बात तो मुस्लिम समाज का रुख बहन जी की तरफ बहन जी साहब का अखिलेश को भी अखिलेश को खत्म अखिलेश का भी क्या मतलब रहेगा मतलब आपको मतलब लग नहीं रहा कि अखिलेश टक्कर में है एक यही नेता ऐसी है जो मुस्लिम और चमार यही गठजोड़ लग रहा है कि दमदार है पहले भी ला रहे थे सरकार बनी
को ही वोट देंगे भाई, मुसलमान सब बहन जी को ही वोट देना है। अच्छा बहन जी को वोट देंगे। अच्छा बहन जी को सपा साफ सपा भी अरे खत्म है वो तो समाजवादी का क्या कमी है सपा में। अरे इतने बड़े जोर लगाए जब सरकार में नहीं आया तो फायदा क्या वोट देने से। अजय बहन जी के लारे रहते तो तक तक पलट देती। तो अखिलेश से भी दम कुछ नहीं, दम नहीं अखिलेश में। ना 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 खत्म खत्म है माई डब से तो खत्म है। अब आ गई तो दुनिया की कुछ कर लो अन्य हम तो बहन जी के साथ जाके खुले। बहन जी पे आरोप लग रहा था कि भाजपा की मदद कर रही है। कोई नहीं बकवास करे सब। बकवास थी है। हाँ सब बकवास है। वही नेता ऐसी जो सत्ता मावे की खुल गए। पहले मौलाना जमील जीत गए थे यहाँ से विधायक थोड़े से। हाँ जीते नहीं। और वो तो आपके जो सोच रहे जो पिछले इलेक्शन में भाई जो भी कुछ करेगा बस अगले सी हो करने के बाद में कुछ नहीं। ये सीट भी जो लिगड़ी हमारे दम पे लिगड़ी मुसलमानों पे खत्म कर देते नहीं उसे। उन्होंने पलटी मारी ना तीनों ने पलटी मारी के लगे भाई ये भी तो हगा है पार्टी मारने का। जो उनके कुछ लोग हैं गांव में वो अरे चंदन के साथ नहीं नहीं रहेंगे कुछ लोग। कोई ना रहने का चंदन के साथ ना कोई नहीं रहने का। नहीं नहीं चंदन के साथ मतलब क्या रह गया। जाएंगे कुछ लोग चंदन के साथ। नहीं जी चंदन के साथ नहीं जाएंगे। क्या कमी होगी चंदन में। भाजपा में चलेगा यही कमी होगी। पहले भाजपा से नाराज हैं जी। तो पलटी मार ली चंदन ने आप भी पलट गए जी। तो अब किधर जाएंगे। तो जब इनका गठबंधन होगा दूसरों का उनके साथ जाएंगे। गठबंधन के साथ जाएंगे। हम तो पतंग उड़ावेंगे। पतंग उड़ाएंगे। अच्छा ओवैसी बिल्कुल ये तो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सीट सा होता था हम तो पतंग उड़ा के। अच्छा पतंग उड़ाएंगे। बड़े लोगों को क्या पता मतलब इनके तो पुरानी सोच है। नई सोच के लोग पतंग ना नई सोच के तो पतंग उड़ा के नई सोच के तो पतंग उड़ा के जी। पुराने तो पुराने ही हो वो तो लड़ेंगे यूपी में। हाँ अगर हमारी सीट आगे तो पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी बिल्कुल। अच्छा मेरा तो पतंग पे जाएगा किसी का जाओ ना जाओ। अच्छा मतलब पतंग पे भी जाएगा मुसलमान। हाँ पतंग ही जाएगा जी। ये तो यूँ कह रहे हैं पतंग उड़ाएंगे इस बार। सही कह रहे हैं। अभी ये क्या इन्हें पता नहीं सबको मिला पाला गए ना पता नहीं सच्चे बता रहा तुमसे इसे ही वोट देंगे हम बस बहन जी को। जी चंदन तो पलटी मार के चले गए। चंदन को कोई वोट नहीं मिलना का। किधर जाएंगे अब आप। अभी तो चलो बड़े मशवरा करेंगे जिधर जाना होगा। लेकिन चंदन की तरफ नहीं जाएंगे। चंदन की तरफ नहीं जाएंगे। वो तो यूं कह रहे हैं बिल्कुल नहीं जाएंगे। साथ है वोट बैठ रही है। ना ना बिल्कुल नहीं जाने। वो यूं कह रहे हैं तो अलग पार्टी है। गलतफहमी थोड़ी गए वो। गलतफहमी है उसकी। गठबंधन तो हो गया। जेल पड़ोसी आ रहा है हमारा शाहनवाज बहन जी की पार्टी से। चर्चा चल रही है। हाँ जी ककरौली वाले। हाँ ककरौली वाले शाहनवाज। तो शाहनवाज पे रहेंगे। हाँ जी बहन जी पे। हाँ जी मुस्लिम प्लस चमार जी ये गठबंधन चलेगा। ये गठबंधन चलेगा। इससे उम्मीद है। हाँ जी शाहनवाज जी इन पे तो आरोप लग रहा था कि भाजपा के आदमी है। नहीं नहीं बसपा के आदमी है। बसपा के आदमी है ये तो चलते रहे। किधर जाएंगे आरोप लगाते रहे शाहनवाज। शाहनवाज अगर टिकट मिल अगर किसी और को मिल गया शाहनवाज के स्थान पे कादिर राणा की जैसे किसी भी हाथी पे वो किसी को मिला देना हाथी को ही। तो मुस्लिम समाज एक खूटे पे भी देता कभी हाथी पे कभी साइकिल पे कभी नल पे। देख लिया ना सपा को तो देख ली ना। काम खत्म हो गया पूरे जोर लगाने के बाद में जब ये सत्ता भी नहीं क्या करे भाई। हमें सपा को छोड़ दिया इस बार बिल्कुल। यो सत्ता मावेगी 100% बहन जी से उम्मीद है। बहन जी से उम्मीद है। अच्छा ये तो खत्म है। हाँ जी बहन जी और अखिलेश का क्या होगा। जब कुछ काम ही नहीं किया मुसलमानों के लिए तो जब क्या फायदा देना। मुलायम बोलते थे मज्जी में बड़े जाने जिस बात में हम क्या जाने। इस बार साइकिल पंचर कर देंगे। इस बार बसपा से कोई भी आए बहन जी की तरफ जाएंगे। बहन जी से उम्मीद है। बहन जी से। तो ये थे सिकंदरपुर के मुस्लिम समाज के लोग। इनका साफ कहना है कि इन्हें सपा और लोक दल ने ठग लिया और इनको लगता है कि जो ताकत है वो बहन जी के पास है और जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और चमार का ये इसके साथ जाना पसंद करेंगे। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।